215 क्या 415 में भी सुनेंगे, लेकिन मुझे एसपी साहब को जरा एजुकेट भी करना है। क्या हम जजमेंट्स लिखते हैं इसीलिए, हम इसीलिए जजमेंट्स लिखते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर्स कभी पढ़े नहीं उसको? आप ये बताइए मुझे सर, आपने पहले जजमेंट पढ़ा है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का? आप ऐसा कीजिए जरा दोनों जजमेंट पढ़ करके आइए मेरे पास। उसको तो सुई लगाने में वो छटपटाया, गिर गया बिछावन से मर गया, ये तो कॉमन है आपका। तो हर एक्यूज जब भागने लगता है तो वो कहीं से कूद जाता है, कहीं किसी को चोट लग जाती है, जेल में जब मर जाता है पुलिस कस्टडी में, तो आप कहते हैं इस डॉक्टर को खड़ा करके कि साहब उसको सुई देने में छटपटाया तो बेड से गिर गया तो उसका सर फट गया और मर गया। आप इनको पढ़ा करके लाइए मेरे पास एक घंटे बाद। तो देखिए धीरे धीरे कितनी बातें निकल के आ गई। पहली बात, FIR नहीं लॉज हुआ बाय द मजिस्ट्रेट हु वाज डेप्टेड ऑन द स्पॉट। मिस्टर खान, यू विल एडमिट इट और नॉट? 100% एडमिट। सो योर मजिस्ट्रेट हु वाज डेप्टेड ऑन द स्पॉट, ही डिड नॉट लॉज FIR ऑन 13/10/16। The SDO who had given permission to go with the march, he makes a false statement in the FIR बिना अनुमति के। Third चीज, after 6 months you are arresting this petitioner in complete violation of the directions of the Honorable Supreme Court. Fourth, he was brutally assaulted. CGM ordered you for his medical examination. In the name of medical examination, you did nothing. You have one register to show कि उसका chest X-ray कराया गया था। You do not have the report of that chest X-ray. You have no material to show that the chest X-ray was received by him. The law, देखिए कानून में देरी हो सकती है, लेकिन नोबडी इज अबव द लॉ। ये बराबर मैं कहता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है आपको बुलाने का, लेकिन जो एनआरकी प्रिवेल कर रहा है ना, आपकी जो मर्जी होती है आप वैसे ही करते हैं, कानून को आप चाहते नहीं है कि उसको हम रूल करने दें। क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इसीलिए है कि आप उसको वायलेट करते रहे? व्हाई दिस ऑफिसर शुड नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन व्यू ऑफ डी के वासु जजमेंट? सर, दे वर क्रिएटिंग कम्युनल डिस्टर्बेंस, सर, दे आर मेकिंग हेट स्पीचेस। सर ऐसा है, देखिए मिस्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, प्लीज डोंट मेक एनी स्टेटमेंट जस्ट विदाउट एनी बेसिस देयर। इफ दे एनी कम्युनल हार्मोनी वाज डिस्टर्ब्ड ऑन 13/10/16, व्हाई योर मजिस्ट्रेट डिड नॉट लॉज FIR देन एंड देयर, बट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम लॉजिंग द FIR? And why FIR was lost on the next day making a false statement? These are the circumstances clearly showing that you are making a false case against a person who is demonstrating against your police officers, because your police officers had taken his party worker in custody and he was harassed, tortured in police custody. So he was demonstrating. तो आपने कहा ठीक है अब तुमको भी सबक सिखाते हैं, तुम नेता बन रहे हो तो तुमको सबक सिखाते हैं। This is how the police will react. Sir, अगर आप इस तरह से काम करना शुरू करेंगे तो लोगों का क्या होगा? Then nobody will raise his voice, and that too in this democratic manner, after taking permission from your competent officer. आप एक भी केस हुआ कम्युनल हार्मोनी का वहां डिस्टर्बेंस का 13 तारीख को कम्युनल, लेकिन 16 में हुए हैं केसेस सर। आई एम नॉट कंसर्न विद सर बिकॉज ऑफ हिज डेमोन्स्ट्रेशन सर, एंड दिस डेमोन्स्ट्रेशन वॉज अगेंस्ट द पुलिस एट्रोसिटी सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट वॉज नॉट फॉर एनी कम्युनल डिसहार्मोनी क्रिएट करने के लिए नहीं था सर, इट वॉज अगेंस्ट द पुलिस एक्शन। हाउ कम दिस सांप्रदायिक? आप हर चीज में जो है जब किसी को कुछ फंसाना हो तो एक सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर देते हैं। आपने इस FIR में लिखा होता कोई सांप्रदायिक सद्भाव की बात नहीं हुई, वहां कोई घटना नहीं घटी,
कोई आपके पास रिपोर्ट नहीं है कि हाँ उसने क्या बोला, इसके लिए कोई सांप्रदायिक घटना घट गई? आपका बोनाफाइड ही नहीं दिख रहा है इसमें, और इंजरी रिपोर्ट भी आपने नहीं दिया सीजीएम के ऑर्डर के बावजूद, अरेस्ट भी आपने किया आफ्टर सिक्स मंथ्स। बोलिए क्या करें अब? आई एम विलिंग टू सर, एक और पॉइंट है सर। हाँ बोलिए। सर जब अरेस्ट इनको किया गया था सर, एट दैट टाइम दिस पारा नंबर 672 सर, स्टेशन डायरी ऑफ टाउन पुएस ऑफ 22 फरवरी 2017, इसमें भी मेंशन है सर कि पकड़ने के दौरान भी वो भागने की कोशिश किया और उस दौरान उनको चोटें लगी। ये तो कॉमन है आपका तो हर एक्यूज जब भागने लगता है तो वो कहीं से कूद जाता है, कहीं किसी को चोट लग जाती है, जेल में जब मर जाता है पुलिस कस्टडी में तो आप कहते हैं इस डॉक्टर को खड़ा करके कि साहब उसको सुई देने में छटपटाया तो बेड से गिर गया तो उसका सर फट गया और मर गया। ये सब कहानी मत बनाइए एसपी साहब, ये कहानी अब बिल्कुल स्टीरियोटाइप आ रहा है हर केस में। पुलिस कस्टडी में जितने भी टॉर्चर्स हैं, अभी रिसेंटली आई हैव डायरेक्टेड फॉर वन इंक्वायरी इन मैटर that a prisoner in jail was brutally assaulted, his whole body is can be seen having severe injuries on different parts of his body, and then he was, this court was informed ki usko to sui lagane mein wo chatpataya gir gaya bichhavan se mar gaya, darbhanga ka hai jail custody, ab isme diya nahi inquiry ke liye, abhi diya nahi, abhi to report manga gaya, report manga hai, wahi kaha hai ki uska वो सब रिपोर्ट लगी। तो ये जो आप बोलते हैं ना कि भागा और भागने में गिर गया और चोट लग गया, तो कहानी कब तक चलेगी? आप ये बताइए मुझे सर, आपने पहले जजमेंट पढ़ा है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का, डीके बासु जजमेंट पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? नहीं सर, नहीं पढ़ा है ना, तो आप कैसे एसपी रहिएगा जब आप पढ़ा ही नहीं, जजमेंट ही नहीं पढ़ा आपने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो 1997 में रिपोर्टेड है, आपने अरनेश कुमार पढ़ा? पढ़ा है सर। अरनेश कुमार पढ़ा है? जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी पढ़ा? नहीं, नहीं पढ़ा। आप ऐसा कीजिए जरा दोनों जजमेंट पढ़ करके आइए मेरे पास सर। आई एम गिविंग यू 1 आवर टाइम सर, आई टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू to educate you. No, no, Mr. Khan. He has not studied the judgment of the Supreme Court. What kind of SP is he? If he doesn't know the judgment of the Honorable Apex Court, how can he administer police service? क्या हम judgments लिखते हैं इसीलिए? हम इसीलिए judgments लिखते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर्स कभी पढ़े ही नहीं उसको? आप इनको पढ़ा करके लाइए मेरे पास एक घंटे बाद। सर हम इसमें बात करना चाह रहे थे, इसकी जितनी क्वेरी की उन्होंने इसका डिटेल हम इनसे खुद लेना चाहते हैं। हम इनसे पहले बात जो है ना हम ऑर्डर करेंगे, इनको पहले डीके बासु जजमेंट, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इफ आई एम करेक्ट AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 1349 एंड डीके बासु जजमेंट 1977 जो भी है दीजिए, जिसमें उन्होंने कहा है एपेक्स कोर्ट ने कि साहब जहां वायलेशन होगा ये गाइडलाइंस का 416 वहां हाई कोर्ट कैन इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट देम। 215 तक कर दिया जाए? हाँ बिल्कुल, 215 क्या 415 में भी सुनेंगे, लेकिन मुझे एसपी साहब को जरा एजुकेट भी करना है। ये जाएंगे एसपी हैं जिला के, इनको कमान दिया गया है और ये पढ़े ही नहीं है तो ये कमान क्या संभालेंगे? फिर फिक्स कर लेंगे, आइए ना पढ़ा दीजिए जरा जब दोनों जजमेंट अच्छे से इनको, तो किताब लेकर के आइएगा मेरे पास, चैम्बर में बैठाइए और पढ़ाइए इनको, उसके बाद आइए क्लासेज ही शुरू करेंगे एक अलग से।